महोदय, मेरा नाम अंजलि देवी, मैं MBBS मैसूर में हिंदी शिक्षिका हूँ। बच्चों, अब तक हम बहुत छुट्टी बीत चुके हैं और चंदना टीवी के क्षेत्र बंद कार्यक्रम में अनेक पाठों को जान लिए हैं। अब हम आगे पढ़ाई के लिए ध्यान देना बहुत आवश्यक है, इसलिए हम अब पाठ की ओर जाएंगे। बच्चों, हमारे सेहत के लिए हम हर रोज कुछ ना कुछ करते हैं, व्यायाम करते हैं, सब्जी खाते हैं, फलों को खाते हैं। हम रोज खाने वाला कुछ सब्जियों के नाम बताइए। आलू, गाजर, मूली, बैंगन आदि। अच्छा अच्छा, हम तो सब्जियों का नाम तो जान लिए हैं, कुछ फलों के नाम बताइए। आम, संतरा, नारंगी, सेब। अच्छा, हम लोग आज हमारे पाठ में आने वाला कश्मीरी सेब पाठ के बारे में कुछ जानकारी करेंगे। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की कश्मीरी सेब पाठ के बारे में जानकारी करेंगे। बच्चों, सभी ध्यान में रखना, क्योंकि कश्मीरी सेब पाठ तो सेब से संबंधित नहीं है। लेखक जिन्हें इसके बारे में इसके द्वारा हमारे समाज में होने वाला कुछ धोखाबाजी के बारे में दर्शाया है। बच्चों, हम लोग कश्मीरी सेब पाठ को जानने के पहले लेखक का परिचय पाना बहुत जरूरी है। इस पाठ को लिखने वाला लेखक मुंशी प्रेमचंद जी, इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ, वाराणसी के पास लंबी गांव में हुआ। इनकी अनेक रचनाएं हैं। इस लेखक को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि सुप्रसिद्ध उपन्यासों को लिखा है। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में घटी हुई दो घटनाओं को इस पाठ में लिखा है, इसके बारे में हम आज जानकारी करेंगे। सब किताब खोलिए और कलम लीजिए और जो मुख्य वाक्य के नीचे लिखे डालते जाना, और नए शब्दों को भी मैं कुछ नए शब्दों को आज कुछ पाठ पर लिखती हूँ। आप लोग तो ज्यादा से ज्यादा नए शब्दों को आज तो लिखते जाना, और पाठ के बाद पूरे पाठ को पढ़कर अंतर्गत करना। पाठ को देखिए बच्चों, पाठ को देखिए। इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखाबाजी पर प्रकाश डाला गया है, और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। देखिए, एक एक पाठ के लिए एक एक उद्देश्य होता है। इस पाठ का उद्देश्य है, लेखक जी का मुख्य उद्देश्य है, बाजार में होने वाला धोखाबाजी के बारे में लिखा है। देखिए, बाजार के लोगों के साथ व्यवहार करते समय सावधान से व्यवहार करना, सावधान के बरतने करना, ये सब को इस पाठ में दर्शाया है। कल शाम को चौक में 2-4 चीज जरूरी चीजें खरीदने गया था। लेखक के जीवन में घटी हुई घटना के बारे में इस पाठ में लिखा है। देखिए बच्चों, कल शाम को लेखक जी ने चौक में 2-4 चीजें खरीदने गया। अपने आवश्यक जरूरी चीजों को खरीदने के लिए चौक में गए था। चौक माने सर्कल, चौराहे मिलने वाला स्थान। पंजाबी मेवा परोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं। जो लेखक जी ने बाजार में जो चीजें खरीदने गया था, वहाँ मेवा परोशों की, मेवा परोशो माने ताजे फल बेचने वाला दुकानें रास्ते में थे। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी से सजे हुए नजर आए। लेखक जी ने आवश्यक चीजें खरीदने बाजार में गया था, तब वहाँ मेरा
नजर आए, जी ललचा उठा लेखक का मन में सेब को लेने के लिए आशा हुई, इच्छा हुई। आजकल शिक्षित समाज में प्रोटीन विटामिन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई। लेखक जी ने सेब को देखते ही उनके मन में अनेक विचार, उनके दिमाग में अनेक विचार थे। वो सोचने लगे, आजकल तो शिक्षित लोग विटामिन प्रोटीन के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में विचार करने की प्रवृत्ति भी हो गई है। टमेटो को पहले कोई भी ना पूछ करता, हमारे घर में हर रोज भोजन बनाने वाला टमाटर के बारे में पहले पूछने वाला भी कोई नहीं था। अब टमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। टमेटो में निहित विटामिन प्रोटीन के बारे में जानने के बाद सभी लोग रसोई में उसको उपयोग करते हैं। बच्चों सुनिए, टमेटो में कौन सा विटामिन है? सी विटामिन। अब सी विटामिन से किसको हरा सकते हैं? कोरोना को। इसलिए हम रोज क्या खाना है? टमाटर को भी खाना है, गाजर भी। पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी गाजर भी, पहले गरीबों की पेट भरने की चीज थी। अब तो उस काल में अमीर लोग उसका हलवा ही खाते थे, पहले अमीर लोग उसका हलवा ही खाते थे। आजकल गाजर में रहने वाला विटामिन के बारे में जान लिया है, गाजर में कौन सा विटामिन है? ए विटामिन है। इसलिए छात्रों अब सारे लोग गाजर को अपने भोजन में मिलाते हैं और ज्यादा खाते हैं। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, ये विटामिन के साथ और भी ज्यादा विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। गाजर को मेजों पर स्थान मिल गया है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टर की जरूरत ना रहेगी। सेब में तो बहुत ज्यादा से ज्यादा गुण है। हर रोज एक सेब को खाने से हम बीमार से बच सकते हैं, इसलिए लोग सेब को खाने में उत्सुक हैं। और डॉक्टरों के पास हम बीमार पड़ने से किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। हर रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए हम डॉक्टर से दूर बचने के लिए किसको करना है? सेब को करना है। कब करना है? हर रोज करना है। और डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम पौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। अब हम लोग डॉक्टर से दूर रहने के लिए, बीमार से दूर रहने के लिए हम नीम पौड़ी तक खाने के लिए तैयार है। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है, सेब और आम बराबर है। आम फलों का राजा है, आम भी एक स्वादिष्ट फल है। इसलिए बच्चों स्वाद में आम और सेब बराबर है। इसलिए लेखक जी ने मन में सोचने लगे, मैं भी वहां जाकर सेब को खरीदना। बच्चों अब तक ये सब विषय जान लिए हैं, अगले कक्षा में और कुछ विषयों में जानकारी करेंगे। सबको धन्यवाद।